हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डोज सेंटर। आज है 10 नवंबर 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने की घोषणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड राज्य द्वारा हाल ही में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। प्रारंभ में उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन 2007 में इसे बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। बात करें उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां बनाई गई हैं, जिनमें पहली शीतकालीन राजधानी है देहरादून और दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? प्रेजेंट टाइम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत द्वारा केरल राज्य में साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है और इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण के इस दौर में लोगों के सामने आने वाली परेशानियों का हल ढूंढना व लोगों को साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों, सुझावों और सावधानियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर श्रमिक मित्र नामक योजना की शुरुआत की गई है? दिल्ली में एक श्रमिक मित्र नामक योजना की की गई है और इस योजना के तहत 800 ऐसे श्रमिक मित्रों को नियुक्त किया जाएगा जिनका कार्य सरकार की योजनाओं को श्रमिक वर्ग के लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि श्रमिक वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। बात करें दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नरन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 महिला आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की 13 वर्षीय बॉक्सर तजामुल इस्लाम ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 महिला आयु वर्ग में अर्जेंटीना देश की बॉक्सर ललीना को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इस बार ये जो राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप है, इसके पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं हाल ही में योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। बात करें ओडिशा राज्य के बारे में, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं
नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पुष्कर पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है? ये राजस्थान राज्य में अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं बात करें पुष्कर की, तो यहीं पर पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। बात करें राजस्थान राज्य के बारे में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हामिद कुरैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर को आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और इससे पहले ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के बल्लेबाजी सलाहकार हुआ करते थे और अभी इन्हें टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की पूर्व क्रिकेटर सेसिलिया रॉबिन्सन का निधन हुआ है? इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी सेसिलिया रॉबिन्सन का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य द्वारा एक नीति अर्थशास्त्री के रूप में स्वयं की जीवनी पर एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है? श्रीनगर शहर को यूनेस्को द्वारा शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है और इससे पहले 2019 में मुंबई और हैदराबाद को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित कर्म सेना स्थापित करने की घोषणा की है? केरल राज्य सरकार ने कचरा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक हरित कर्म सेना स्थापित करने की घोषणा